पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वजीर आजम इमरान खान के मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर अमान का कहना है कि मुल्क से भागे हुए शख्स को सियासी सरगर्मियों का हिस्सा बनाना इदारों की तस्दीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत पर रद्दमल देते हुए मशीर बराए पार्लिमानी अमूर ने ऑनलाइन खिताब को इनकलाब सियासी शोबदाबाजी करार दे दिया। बाबर अमान का कहना है कि ऑनलाइन खिताब का इनकलाब खाने की मेज से आगे नहीं बढ़ सकता। सियासत के लिए फिट, अदालत के लिए अनफिट, क्या ये खुला तजाद नहीं? बाबर अवान का कहना था कि नाअहल, मतलूब और इश्तिहारी नवाज शरीफ अपोजिशन की सियासत को मजीद तबाह करेगा। मुल्क से भागे हुए शख्स को सियासी सरगर्मियों का हिस्सा बनाना इदारों की तजहीक है। नवाज शरीफ की हैसियत सजा याफ्ता मुजरिम से ज्यादा कुछ नहीं। अपोजिशन की तरफ से 20 सितम्बर को बुलाई गई कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की तैयारियाँ जारी हैं। इजलास इस्लामाबाद के एक मकामी होटल में दिन 12 बजे शुरू होगा। इजलास के एजेंडे को हतमी शक्ल दे दी गई है जो दो नुकाती है। एजेंडे के मुताबिक हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा और आइंदा की हुकूमत अमली पर मशावरत होगी। तमाम अपोजिशन जमातें हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुस्तकबिल के लाहे अमल से मुताल्लिक तजावीज देंगी।